आज मैं लाई हूँ इंस्टेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी। इसे आप बाउल पिज़्ज़ा या मग पिज़्ज़ा कुछ भी कह सकते हो, ये सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे एक बार बनाओगे तो फिर बार बार ही बनाओगे, क्योंकि आपको ये इतना पसंद आएगा और आजकल बच्चे भी घर पर हैं तो फिर ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। तो फिर देख लेते इसे कैसे बनाना है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये मैंने 2 बाउल लिए हैं माइक्रोवेव सेफ। वैसे आप चाहो तो कोई कप भी ले सकते हो या कॉफ़ी वाला मग ले सकते हो, तो थोड़े बड़े साइज़ का आपने लेना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि वो माइक्रोवेव सेफ हो। गुड क्वालिटी के जो सेरेमिक वाले कप या मग आते हैं ना, वो भी माइक्रोवेव में चल जाते हैं। तो अभी इनको रख देते हैं एक साइड में। ये मैंने एक और बाउल ले लिया है, इसमें मैं बैटर तैयार करूँगी। तो वैसे आप चाहो तो बाउल में अलग अलग से भी डालकर तैयार कर सकते हो, पर मैं इकट्ठा ही तैयार कर रही हूँ, फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसमें सबसे पहले डालेंगे हम मैदा 6 टेबल स्पून। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे, तो नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सॉस वगैरह कभी इसमें यूज़ होगा उनमें भी नमक होता है। और साथ में अब डालेंगे थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम लेना है इसको, और 2 चुटकी लेना है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का ही इसमें यूज़ करना है। इनको मिला लेते हैं। अब इसमें मिलाएंगे हम मिक्स हर्ब, थोड़े से मिला देंगे। और ये साथ में मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स, इनको भी मिला लेते हैं। और अब इसमें मिलाएंगे हम 2 टीस्पून ऑयल, कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल ले सकते हो, बस इसमें अपना कोई टेस्ट ना हो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब इसमें हम मिलाएंगे दही, तो दही मैं मिला रही हूँ इसमें 4 टेबल स्पून, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो इसका जो हमने ये डो बनाना है, ये थोड़ा सा वैसे थिक साइड पर ही होता है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसमें अब हम मिलाएंगे मिल्क। तो मिल्क आपने लेना है रूम टेम्परेचर का, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा नहीं लेना है। तो इसको मैंने लिया है 1/4 कप, तो पूरा एक साथ नहीं मिलाएंगे, पहले मैं हाफ मिला रही हूँ और मिक्स करके देख लेते हैं। तो ये मैंने पूरा मिला दिया है मिल्क, 1/4 कप मिल्क इसमें मिल गया है। और अब इसका आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखी है। ये देखिए एकदम फ्लोइंग नहीं होती है इसकी कंसिस्टेंसी, जब मैं ऐसे इसको गिरा रही हूँ तो ये रुक रुक कर गिर रहा है, मतलब कि ये थिक साइड पर है। ऐसी ही आपने कंसिस्टेंसी इसकी बनानी है। इस डो को हम इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पिज़्ज़ा बेस भी हार्ड बन जाएगा। अब ये तैयार हो गया है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। दोनों बाउल मैंने ले लिए हैं, दोनों में हाफ अप बैटर को डाल देंगे। अब इनको करना है माइक्रोवेव, तो एक एक बाउल को 1-1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, जिससे कि हमारा पिज़्ज़ा बेस जो होगा बहुत ही अच्छा बनेगा, कच्चा नहीं रहेगा। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए एक बाउल को माइक्रोवेव कर रही हूँ, माइक्रोवेव की सिंपल सेटिंग में, जिसमें कि हम सब्जी वगैरह गर्म करते हैं उसी में करना है। तो अब ये दोनों मैंने माइक्रोवेव कर लिए हैं, तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छी तरह से फूल भी गया है और सॉफ्ट भी बहुत है। तो ये बेस तो हो गया है तैयार, अब बाकी की तैयारी करते हैं। अब इसके ऊपर हमने सॉस लगानी है, तो ये मैं लगा रही हूँ सेज़वान चटनी। वैसे आप चाहे तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा सकते हो या फिर टोमेटो सॉस लगा सकते हो, वो तो सबके घर में होती है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस पर लगा सकते हो। तो 1 से 1.5 चम्मच तक एक एक में लग जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। तो अब इसको मैंने लगा लिया दोनों बाउल में, तो ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी वेजीज। तो थोड़े से मैं डाल रही हूँ प्याज, छोटे छोटे काट कर लिया हुआ है। साथ में थोड़े से डाल देंगे शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम, तो मेरे पास ग्रीन एंड रेड दोनों थी, मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ। जिस भी कलर की हो आपके पास आप वो डाल सकते हो, खाली ग्रीन है तो खाली ग्रीन डाल सकते हो। अब ये मैं डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न, तो ये है फ्रोज़न, अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो थोड़ा सा आप बॉईल करके ले सकते हो। तो मैं ये दोनों के ऊपर नहीं डाल रही हूँ, एक के ऊपर ही डाल रही हूँ, दूसरे के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से ऑलिव्स, ये ब्लैक ऑलिव्स है मेरे पास, तो ये दोनों को थोड़ा सा मैं अलग कर रही हूँ। वैसे आप चाहे तो दोनों सेम भी बना सकते हो, या फिर आपके पास मशरूम वगैरह हो तो वो लगा सकते हो, या फिर आप इसे नॉन वेज में भी बना सकते हो, नॉन वेज पिज़्ज़ा बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी टोमेटो सॉस भी डाल रही हूँ, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमने सॉस पहले भी इस पर लगाई हुई है। अब इसके ऊपर जाएगी चीज़, तो ये मैंने ली है पिज़्ज़ा चीज़, तो चीज़ आप कोई भी ले सकते हो, अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है वो ले सकते हो,
प्रोसेस चीज़ है वो ले सकते हो। तो चीज़ आप जितना डालना चाहो उतना डाल सकते हो, थोड़ी ज़्यादा ही डालें तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो चीज़ भी मैंने दोनों बाउल में डाल दी है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी वेजीज डाल देंगे जिससे कि देखने में और भी अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा डालेंगे मिक्स हर्ब या ओरिगैनो जो भी आपके पास हो, या पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है वो है तो वो डाल लेना। और डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब ये बिल्कुल तैयार हैं बेक होने के लिए। अब इनको हमने बेक करना है, तो एक एक बॉल को एक एक बार में माइक्रोवेव में रखेंगे और एक मिनट के लिए सेट करेंगे। तो माइक्रोवेव को मैंने एक मिनट के लिए सेट किया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो रहा है। अगर आपको लगे कि ये एक मिनट में पूरी तरह बेक नहीं हुआ है, चीज़ मेल्ट नहीं हुई या हल्का कच्चा लग रहा है, तो आप इसे थोड़ी देर और बेक कर लेना, जैसे 10-20 सेकंड के लिए। अब ये दोनों बाउल पिज़्ज़ा कह लें या मग पिज़्ज़ा कह लें, ये बनकर हो गए हैं तैयार। चीज़ देखें बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और बेस को हमने पहले ही बेक कर लिया था। ये देखें मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, अंदर से देखें आप कितनी अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। अंदर तक ये पका हुआ है, इसका बेस भी बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। आप इसे जब मन करे बना सकते हो। जैसे आजकल बच्चे घर पर हैं वो पिज़्ज़ा खाने की जिद करते हैं, तब भी आप फटाफट बना सकते हो। ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती, अगर मैदा नहीं है तो आप इसे आटे से भी बना सकते हो। वैसे अगर आप इसे माइक्रोवेव में नहीं बनाना चाहते हो या माइक्रोवेव नहीं है, तो आप इसे कढ़ाई या कुकर में भी बना सकती हो। सेम ही तरह से आपने इसे तैयार करना है, फिर कढ़ाई या कुकर में इसे बेक कर लेना है। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर ये ज़रा भी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।